नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। भाई, रिलायंस पावर, रतन पावर और रिलायंस इंफ्रा, इन सब में मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूं। जो भी छोटा मोटा अपडेट आता है मैं बताता हूं। एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है रिलायंस पावर से रिलेटेड, जो ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहले से भी देखते हो तो आपको पता होगा कि ये पीडीएफ जब ओपन होता है तो क्या होता है, एसएम की लिस्ट में चला गया है, ठीक है ना। एसएम का लिस्ट क्या होता है कि एक सर्विलांस होता है जिससे जो है सेबी या एक्सचेंज उस स्टॉक पे अच्छे से और निगरानी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो नंबर पे आप देख सकते हो लिखा गया लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के एसएम के फ्रेमवर्क में कंपनी गई है स्टेज वन में। कब से? तो सितंबर 26, 2024, 26 सितंबर 2024, यानी कल से यह कंपनी शॉर्ट टर्म के स्टेज वन में गई है। इसका यहाँ पे सिंबल देख सकते हो, यहाँ पे इसका सिक्योरिटी नाम देख सकते हो, ISIN नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। अब चलिए, ये तो यहाँ चली गई है और उसके बाद कई सारे शेयर गए हैं, कई सारे शेयर यहाँ पे बाहर भी निकले हैं, लेकिन अब उनकी लिस्ट देखने से इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है। एसएम लिस्ट वाली वीडियो मैं अपने सुपर स्टॉक एडवाइजर पर बनाता हूँ, उसको देखिएगा। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा, दिक्कत क्या होगा, क्यों गया है पहले देख लिए। क्यों गया है तो मैं क्या बताऊँ, 5 दिन में अगर 25% से ज़्यादा तेजी होती है तो उसको एसएम के शॉर्ट टर्म के लिस्ट में, 5 दिन में अगर 15 दिन में अगर 40% या उससे ज़्यादा तेजी होती है तो भी उसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया। ये शॉर्ट टर्म की क्राइटेरिया है। लॉन्ग टर्म की 7-8 क्राइटेरिया है जिसपे डिटेल वीडियो में बनाया हुआ हूँ, सुपर स्टॉक एडवाइजर चैनल पर जाके देखिएगा। अब ये जो तेजी आई है ना कंटिन्यू अपर सर्च के यहाँ से जो लगना शुरू हुआ है ना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और बताया भी था कि खरीदिए, मोमेंटम आया है, तो इसी तेजी की वजह से ये गया है। और नीचे वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो इस वजह से भी इसको एसएम के लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखिए इससे फर्क कुछ खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाएगा ना तब कहीं जाकर थोड़ा फर्क। अब देखिए यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे आप लोग, देखिए 5% का सर्किट। अभी सुबह में मैं जब दोपहर में वीडियो बना रहा था शाम को, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज वन नहीं लिखा था, चेक करिए जाके पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज वन शो कर रहा है, इसका मतलब जो मैं वहाँ पे पीडीएफ दिखाया हूँ वो 100% पीडीएफ जो है सही है। आज 23 करोड़, 23.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें जो है टोटल ट्रेड हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम था। तो इस वॉल्यूम की वजह से भी ये एसएम के लिस्ट में गया है, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम से अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है ना तो भी उसमें जो है एसएम के लिस्ट में डाला जाता है। 970-68 करोड़ रुपए के शेयर टोटल बाय सेल आज हुए हैं, 45% तो इसका डिलीवरी परसेंटेज इतने बड़े वॉल्यूम के बावजूद भी है, तो जबरदस्त। अब इससे बदलेगा क्या, देखिए बदलेगा कुछ नहीं, 100% इसका मार्जिन कर दिया जाएगा। मतलब मार्जिन मतलब होता है कि शेयर को खरीदने के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हो। अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर खरीदते हो तो जो उसका करंट प्राइस रहता है उतना आपको देना ही पड़ता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में लिए के लिए आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि ये 42 रुपये वाला शेयर है तो हो सकता है आप लोगों को ये 21 रुपये में भी इंट्राडे ट्रेडिंग में मिल जाता हो। लेकिन अब से क्या होगा कि अब से ये जो है, चाहे इंट्राडे में खरीदो चाहे आप जो है डिलीवरी में, आपको 42 रुपया ही देना पड़ेगा जो उस समय प्राइस रहेगा। तो इसका अभी फिलहाल में मार्जिन लिमिट जो है वो 100% हो जाएगा, बाकी सर्किट लिमिट भी घटता है, लेकिन अब इसका 5% है तो 5% से अब कितना घटेगा, 2% बहुत रेयर केस में होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो देख लीजिएगा। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है तो अभी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं होती है, लॉन्ग टर्म की लिस्ट में जाएगा तब इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है, देख लीजिएगा। जब भी बाहर आना होगा 1-2 दिन के बाद मैं प्रेडिक्शन करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना, जब यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। इसकी एक पीयर ग्रुप की कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैं डिटेल वीडियो एक ही में दोनों की वीडियो बनाता हूँ। ये पहले से ही लॉन्ग शॉर्ट टर्म के स्टेज वन में गई है 19 सितंबर के आसपास, अब 2-3 दिन में यह बाहर भी आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको शो करेगा यहाँ पे एसएम लिस्ट, ठीक है ना, जब भी बाय करने के लिए करोगे वहाँ पे एसएम लिस्ट शो करेगा। इस तरह से कुछ खास अपडेट नहीं देना है। अब बाकी देखिए इसका जब तक ये रेंज के ऊपर ऊपर रहेगा तब तक तेजी का व्यू रहेगा, और आने वाले समय में 48 रुपये और 54 रुपये तक का टारगेट ये दे सकता है, ऐसी संभावना है। और ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में खरीदारी भी आप चाहो तो कर सकते हो। देखिए रिस्क आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है, मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जब तक ये रेंज के नीचे नहीं जाता है तो इसी रेंज के नीचे का आप चाहो तो
फॉलो कर सकते हो। हालांकि मैं परफेक्ट खरीदारी तो यहाँ पे बोला था, अब यहाँ पे बोलूंगा खरीदारी करने के 3 दिन गिर जाएगा, बोलोगे कि फंसा दिया। तो आप लोग जो भी करना है आप लोग अपना कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी और इसमें तेजी की संभावना बनी हुई है। अगर एसएम लिस्ट का कोई प्रभाव पड़ता भी है तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करेगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू मोमेंटम में भाग सकता है। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, एसएम का अपडेट आगे देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए दबा के, ठीक है ना।